अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन रही छि अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर ता उपरे नजर पकाइबा हले प्रथमे हेडलाइंस कोरोना सम्मुख योद्धा को पाई अनुकूल क्रास कोर्स आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सामिल हे 26 राज्य 181 प्रशिक्षण केन्द्र के सदस्य दिन 11 विसिरे शुभारंभ। गरीबों पर दुख आ मौसुमी वर्षा कटका जो खोलुनी दुकान पाखे ना घर उपर घे पलिथिन छता रेनकोट पलिथिन को अत्यावश्यक सामग्री तालिकार सामिल करने को दावी। भारत को खूब शीघ्र मिल एक टीका सेप्टेम्बर में देश में मिलपे नोभावैक्स वैक्सीन सेरम पक्ष उत्पादन प्रस्तुति शेष सेपटे जुलाई पिलां कोरोना टीकार ट्रायल करे सेरम। जुलाई 31 सुधा सीबीएसई द्वादश श्रेणी रिजल्ट निर्धारित फर्मुला दिज्व मार्क एवं युक्त दुई परीक्षा मूल्यायन उपर नजर। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद उपाध्यक्ष कहे मैट्रिक मार्क हे बलिष्ठ मापकाठी। कोरोना काल में उपात अंचल आसला भल खबर गोटे ब्लक एक तृतीयांश गांव को छुई पारानी महामारी। अंगनवाड़ी और आशा दीदी ननस्टप सचेतनता अभियान बालेकुड़ार कुटिकिया और सिंदिरी पंचायत संपूर्ण कोरोना मुक्त। मारिबाकु मेडिसिन बालेश्वर नीलगिरी शिशु जीवन सह खेल कोरोना होता 4 वर्ष पिला दिजाऊ एक्सपायरी औषध कहीं न शुणिपार चाइल्डलाइन को खबर देले परिवार लोके। एवं किए हे टेस्टर किंग हाई वोल्टेज टक्कर पर चार विराट वाहिनी आज इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनाल मुहांमुही बे टीम इंडिया न्यूजीलैंड। आज कोविड-19 सम्मुख योद्धा पर अनुकूल क्रास कोर्स कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। दिन 11 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया शुभारंभ करेंगे नरेंद्र मोदी। 26 राज्य में 111 प्रशिक्षण केन्द्र में यह कार्यक्रम शुभारंभ आयोजन कार्यक्रम आरंभ हो प्रधानमंत्री उद्बोधन देते। यह अवसर में केन्द्र दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री अंशग्रहण करेंगे। तेज यह कार्यक्रम 1 लक्ष अधिक कोविड योद्धा मानक कौशल और अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण दिजाक लक्ष्य रखाई। प्रशिक्षण में कोविड योद्धा मानक 6 भिन्न भिन्न अनुकूल भूमिकार प्रशिक्षण दिज्व। आज आसीपे यूजीपीजी परीक्षा उपर निष्पत्ति केमिति हेबो महामारी समय परीक्षा ताकु नहीं बाहरी पारे निष्कर्ष। गत 12 तारीख में समस्त विश्वविद्यालय कुलपति बैठक डका जाइथिला और लॉकडाउन समय पाठपढ़ा संपर्क में अनुध्यान करा जिवो। यूजी और पीजी परीक्षा केमिति हेबो से नहीं कुलपति मानक मतामत निया जाइथिला। उच्चशिक्षा मंत्री अरुण साहू एने विभिन्न विश्वविद्यालय कुलपति आलोचना करते छात्र छात्री आलोचना करने कुलपति 7 दिन समय दि जाइथिला। आज यह अवधि शेष होपटे यूजीपीजी परीक्षा को नहीं कुलपति माने आज चूड़ांत रिपोर्ट रखे। मौसुमी प्रभाव में राज्य विभिन्न स्थान में आरंभ हो वर्षा। तेज एथर वर्षा कुड़िया चलचपर घरे रोकवा गरीबों पर डबल दुख आनी घर उपर घेर को पलिथिन पाखे ना कि कटका जो दोकान भी आनी पार ना केवल पलिथिन खंडे नुहे अत्यावश्यक सामग्री किण बाहर को गोड़ काड़ुवा लोक भी छता कि रेनकोटे कि कारण सरकार कर गाइडलाइन सब सामग्री अत्यावश्यक सामग्री तालिकार आसुनी फल हंतसत होती गरीब साधारण लोके। कटक सीडीए हईराणपुर बस्ती अधिकांश लोक मुंड गुंजी पलिथिन घेरा कुड़िया घरे छपर उपर लगी पलिथिन नष्ट बसला झिपझिप वर्षार भी पलिथिन रु पा गड़ू आ घर करोना जिनस को गोटे कोण को नौकरी प्रकाश बस्तीर जुगल दास सुभासिनी परी अनेक लोकों मुंड पलिथिन छपर वर्षा को अटकई पारे एपटे करोना कटक जो पलिथिन मिलुवा दुकान भी बंद रही सरकार गाइडलाइन यह अत्यावश्यक सामग्री जाऊनी तेणु हईराणपुर बस्ती अधिकांश गरीब एमती हंतसंत होती
आमर गोटे गरीब लोक गोटे पाल कि छता खंडे कि समय दुकान खोला से बहुत सम्मुखीन असुविधार पड़ कहीं पालटे आने घोर कि रही पार छता खंडे धरिक वर्षार जापर जदि से दुकान गुड़ाक रेनिकोट बाकोसी दुकान आमर जो परेश भर चल से न खोल आमको बहुत असुविधा हम जरी दुकान का तो खोलुन कि दुकान बजार बंद आर्षा कम दाम गले बर्षा आईला बेलू बर्षा पा पड़ू घर से पिला छुआ नहीं उदार कष्ट आम चलुचे ये हूँ ब्रह्मपुर कोटपेटा छक रही हरेकृष्ण बेहरा छता एवं पलिथिन दुकान दीर्घ देढ़ मास है छता पलिथिन की रेनकोट बिक्री हो पारे दुकान ऊपर पलिथिन उड़गला हरेकृष्ण आशा करते करोना टिके कमिले सरकार कोहल कर कटक भितर तेल लुणर संसार चलाउा ए छोट दुकान खोल को अनुमति मिल कटक सीना सामान्य कोहल है किंतु दुकान खोलार अनुमति मिलना ना प्रशासन सब खोल कहला मात्र छता ये रेनकोट प्लास्टिक सामग्री किसी खोलिया कहीना से गोटे असुविधार पड़ जा कौन विभाग कौन कोड़िया किस करिया चिंताधार अच्छु पर चलार बहुत कष्ट दि मस देढ़ मस है जो कष्ट भोगुचु ता कहार कथा नुहे एवं देखु पर दुकानी दुख ए चित्र भद्रकर खोला आकाश तले झिपझिप बर्षार पर दुकान बाध्य हो बिकवाक पॉलीथीन खंडे किनि पारुनी छोट व्यवसायी कारण अत्यावश्यक सामग्री भितर जाऊनी पॉलीथीन बिक्री होतबा दुकान केवल परिबा दुकान नुहंती घरु बाजार को मेडिसिन किंबा परिबा आनिबा को बाहरतबा लोकर भी रेनकोट किंबा छता नथिले बाध्य होई वर्षारे भिजि जिबाकू पडुची त बहु असुविधा रे सम्मुखीन होचे सरकार जोंटा कले ठीक करतली हेले छता उटा घरु बाला को वर्षा आउचे किंति बडी काम व्यापार करतो पाल खंडे भी किनि पारुनु उपरे पकिया पई बर्षा सीजन आसानी सारे आम पूरा हईरा हमु आम छता ना कि पाल फल ना आल फल दुकान जब खुलता सरकार जब खुल दिये दुकान को आम पाल फल खंडे आणिकी छता फता आणिकी आम ना ये खुला दुकान आम उपकृत हो पार सतर जिले में कटक सामान्य कोहल हो कटक खोर्धा परी उपकूल तेरह जिले में समय रे किछि कोहल होइतिले मध्य छता पॉलीथिन किंबा रेनकोट को अत्यावश्यक सामग्री भाव गणा जाऊना तेणु एसबु सामग्री मिलुथबा दुकान को खोलिबा को दाबी जोर धरिछि। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बुलेटिन रे खबर आगो को जारी रहइबो हले समय एक छोट ब्रेक रा ब्रेक पर स्वागत। बालेश्वर नीलगिरी में शिशु जीवन सह खेल कोविड आक्रांत तो होता चार वर्ष पिला को दि जाऊँगी एक्सपायरी मेडिसिन एक्सपायरी मेडिसिन देबा परे घटना को नहीं अभियोग परे होनी कार्यानुषान शेष में चाइल्ड लाइन को खबर देबा परे घटनार तदंत तो आरंभ होता जमापड़ी नीलगिरी अंचल कदमसाई अंचल कल्याणी नायकों चार वर्ष झील असुस्थ पर गत 9 तारीख में नीलगिरी हस्पिटाल स्वास्थ्य परीक्षा करने कोविड आक्रांत तो होता जमापड़ा पर बालेश्वर हस्पिटाल गोटे दिन रहा घरे संकरोध में रही डाक्टर परामर्श देते प्रिस्क्रिप्शन देखा डाक्तखान मेडिसीन आनी घरे पाटी को बारंबार बांति दि जा मेडिसीन औषध देखा बेलू एक्सपायरी मेडिसिन बोली परिवार लोके जानिबा को पाइथिले आ अभियोग परे भी कोनोसे कार्यनुष्ठान नहेबारु शेषरे चाइल्ड लाइन 1098 अभियोग करबा परे आज घटना को नहीं खोलताल आरंभ होइछि। टोल्फी नंबर 1098 कंप्लेंट आसले कि निरोगी थाना अधीन पदम सिंह ग्राम रे गोटे पिला जे कि कोविड रे पॉजिटिव अछि ताको बालेश्वर मेडिकल एक्सपायरी मेडिसिन दिछु सेपा आम अभोग पाई गाँव में पहुंचल पिला को और पिला बापा को देखा करूँ तो आम जानवाक पाइल कि पिलार मेडिसीन दि जाइए से मेडिसीन गोटे मस एक्सपायरी पड़ी से मेडिसीन खाला प्रियनाथ आम प्रतिनिधि जोड़ी आम सहित सीधासख प्रियनाथ को पाखक जाम नीलगिरी प्रतिनिधि जोड़ी प्रियनाथ केमते पिला को जीवन सहित तो खेल खेला जाऊँगी एक्सपायरी मेडिसीन पुणी कोरोना समय
ଦେଖନ୍ତି ନିବେଦିତା, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶ କୋଭିଡ କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ର ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ଏକ ନୀଳଗିରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ନୀଳଗିରି ଯୋଉ ପିଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲକୁ, ମେଡିକାଲ ସେଠି ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସେଠିକାର ଡକ୍ଟର ଯିଏ କହିଲେ ତମେ ପଜିଟିଭ ହେଇଛି, ତମେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ରେଫର କରାଯାଉଛୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସେମାନେ ସିପେଟକୁ ଗଲେ, ସିପେଟର ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଲା, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ସେଦିନ ତାପରେ ତାପର ଦିନ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମାନେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା ଏବଂ ପିଲାର ବାପା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଆସୁଛି, ମୁଁ ନେଇଯିବି ଘରେ ରଖିବି, ତ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କଲେ, ସେମାନେ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆଉଟଡୋର ମେଡିସିନ ଦେଖିକି ମେଡିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ମେଡିସିନ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉଛି, ପିଲା ହାତରେ ବାନ୍ତି କରୁଛି, ତ ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ପିଲା କାହିଁକି ବାନ୍ତି କରୁଛି, ବାନ୍ତି ମେଡିସିନ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ବାନ୍ତି କରୁଛି, ତ ସେଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମେଡିସିନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମେଡିସିନ ଏକ୍ସପାୟାର ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆଣିଥିଲେ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଡରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମେଡିସିନ ନେଇଥିଲି, ସେ ମେଡିସିନ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଛି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନେଲାବେଳେ କାହିଁକି ରଖି ନେଲେ ନାହିଁ, ତ ସେଠି ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସିଡିଓ ପାଖକୁ, ସିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଏଟା ମୋ ଯେହେତୁ ମୋ ଦିନରେ ନୁହେଁ, ତମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଖା କର। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଅଫିସକୁ ଗଲେ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛୁଟି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତମର କାମ କର, ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇକି ଯାଅ। ଆଜିକି ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା 6 ଦିନ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାର ଅଭିଯୋଗ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଲା ନାହିଁ, ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ପିଲାର ବାପା, ତ ସେ ପିଲା ଗତକାଲି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ ବାଲା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ତଦନ୍ତ କରିକି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟନାଥ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉଠାରୁ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏକ୍ସପାୟାର ମେଡିସିନ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ତମେ କାହିଁକି ଚେକ୍ କଲନି, ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଚେକ୍ କରିବା, ନା ଯିଏ ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ କମସେ କମ୍ ମେଡିସିନ ଚେକ୍ କରିବା କଥା, ଏକ୍ସପାୟାର ମେଡିସିନ କେମିତି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ୟା ପରେ ବି ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉନି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, ଛୋଟ ଛୁଆଟିର ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା? କଣ ଘଟିଲା ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର, ଆଜି ସିନା ସେ ପିଲାରେ ପାଠଶାଠ ପଢୁଛି ବୋଲି ପିଲା ଦେଖିପାରିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ପିଲାର, ପିଲା ଯଦି କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହବା, ସେ ପିଲାର ବାପା ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କହିବେ, ଯୋଉ କଣ ଥିଲା ଘଟଣାକ୍ରମ? 9 ତାରିଖ ଦିନ ଛୁଆର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଥିଲି, ନୀଳଗିରି ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିପେଟ ପଠେଇଥିଲେ, ସିପେଟ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତାର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଛାଡି ନଥିଲା ଜ୍ୱର, ସେଠି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଡ୍କ୍ରସରେ ଆଣିକି ଏଡମିସନ କରିଥିଲେ, 11 ତାରିଖ ଦିନ 9:00 ଭିତରେ 9:30 ଭିତରେ ଏଡମିସନ କରିଥିଲେ, ସେଠୁ ଆଣିକି ମତେ ତାପର ଦିନ ଛୁଆ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚଲାବୁଲା ଠିକ କଲା, ସେଠୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଥିଲି ସାର୍ ଆମର ଛୁଆ ଠିକ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 4-5 ଜଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ 2 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଫେର ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ, ଆଉ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଉଛି ହୋମ୍ ଲେସନ୍ରେ ରଖିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିସିନ ଦେଲେ, ମେଡିସିନ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ ଦେଖିନି, ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ସେ ରାତିରେ ଦେଇନି, ତା ପର ଦିନ ତ ସକାଳୁ ଦେଇଛି, ସକାଳୁ ଦେଲା ପରେ ଛୁଆ ବାନ୍ତି ହେଇଛି, ବାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛୁଆର ବାନ୍ତିଟା ଟିକେ ଥିଲା, ସେଠୁ ବାନ୍ତି ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ, ବାନ୍ତି ମେଡିସିନ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଛୁଆର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ରାତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଲି ମେଡିସିନ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି, ତ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେର ବାନ୍ତି ହେଇଥିଲା ଛୁଆର, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖି ନିଜେ ଦେଖିଲି, ତ ମୁଁ ମାନେ ମେଡିସିନଟା ଦେଖି ଠିକ ଅଛି ନା, ସବୁ ମେଡିସିନ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ମେଡିସିନ ଚେକ୍ କଲେ ଏଇ ମେଡିସିନଟି, ଗୋଟେ ମେଡିସିନଟା ଏକ୍ସପାୟାର ମାସେ ହେଲା ଗଲାଣି, ମାନେ ମେ 2021 ଗଲାଣି ଏକ୍ସପାୟାର, ମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଜୁନ୍ ହେଲାଣି, ଏକ୍ସପାୟାର ମାସେ ହେଲା ଗଲାଣି, ଏକ୍ସପାୟାର ମାସେ ହେଲା ଛୁଆକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖେ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ସିଡିଏମ୍ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣାଇଥିଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ଛୁଆର ମେଡିସିନ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କଣ କରାଯିବ, ସେଠୁ ସେ ସାର୍ ନିଜେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଟା କିଛି କାମ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେଠୁ ମୁଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାର୍ ନଥିଲେ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଇକି ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିକି ଆପଣ ନମ୍ବର ଲେଖିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଲା ପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଆଜିକି 4-5 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି।
ଯାଇକି ଯୋଉଠି ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ ଏମିତି ଛୁଆକୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ଆଉ ଛୁଆ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଜାଣିଛି ଦେଖିଲି ବୋଲି ଦେଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ମାନେ ପାଠ କମ୍ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ମେଡିସିନଟା ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଦେଖିକି ନେଲେନି ମୁଁ ସେଠି ଯଦି ଦେଖିଲି ମୋର ଭୁଲ ବି ଅଛି ଦେଖିକି ଆଣିଛିନି ଠିକ ଆଉ ସେଠୁ ନିରାଶ କେସ୍ ଫେରିଲେ ଆସିକି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଜଣେଇଥିଲି କାଲି ପହର ଦିନ ଜଣେଇଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ କି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବାଲା କାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେଡିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ମେଡିସିନ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ମାସେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମେଡିସିନଟା ହେଇଛି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଭୁଲ ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତେବେ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ମ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ପେସ୍ ବୋଲର ଓ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ୱାର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ପେସ୍ ବୋଲର ଭାବେ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ମହମ୍ମଦ ସାମି ଓ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓପନିଂ କରିବେ ତେବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହା ପରଠୁ ସେ ଲଗାତାର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଋଷଭ ପନ୍ଥ ଫ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାଣେ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି ଏ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ୟାସିର ଅରଫାତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଳିଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅଭି କୁଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ହେ आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है और क्यों देखिए न्यूजीलैंड मुझे टीम उनकी मैं न्यूजीलैंड में लीग भी खेला हूँ मुझे वहाँ के लोग वहाँ के जो प्लेयर्स हैं टीम मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है इंडियन टीम में भी बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर हैं बड़े ही स्किलफुल प्लेयर हैं मगर अगर आप देखते हैं कि एशियन टीम अगर है तो इंडिया की टीम एशियन है तो मेरा थोड़ा सा जो है पल्ला जो है वो जो है जो मेरी फेवरेट टीम अगर आप पूछते हैं तो मुझे तो मेरी जो फेवरेट टीम है वो इंडिया की है इंडिया ही है भारत के लिए न्यूजीलैंड का पेस अटैक कितना मुश्किल हो सकता है न्यूजीलैंड अटैक के बारे में अगर आप बात करें तो देखें न्यूजीलैंड के पास भी जिस तरह इंडिया के बात की जाती है कि उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उनके फास्ट बॉलिंग बैटिंग स्पिन डिपार्टमेंट देखें सारे ही एरियाज जो कवर होते हैं और न्यूजीलैंड का भी पास ऐसे हैं कि आप देखें जो भी वो जो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेले पहले मैच में भी वो बड़ा अच्छा खेले दूसरे मैच में भी उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट मैच हराया और अपने छह प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट कराया तो बड़ा ही मुश्किल होगा टीम बनाना उनको उनके लिए क्योंकि एक आधे प्लेयर एक आधे फास्ट बॉलर को उनको बिठाना पड़ेगा मैदान पर विलियमसन और कोहली की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी ये लड़ाई विराट कोहली की एग्रेसिव कप्तान है उनका माइंडसेट बड़ा एग्रेसिव है ऑन दी अदर एंड अगर आप विलियमसन को देखें तो वो भी एग्रेसिव है मगर वो अपने एक्शन से नजर नहीं आता क्योंकि बड़े ही काम एंड कूल नजर आते हैं पिच पे प्लेयर्स के साथ जो जिस तरह वो अपने प्लेयर्स को हैंडल करते हैं बॉलिंग चेंजेस करते हैं तो बिल्कुल ही बड़े ही धीमे मिजाज के कप्तान हैं तो बिल्कुल दोनों टॉप के प्लेयर हैं टॉप के कप्तान हैं तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आप इंग्लैंड की पिच को अच्छी तरह से जानते हैं साउथहैम्पटन में मैच के तीन दिन के बाद क्या आपको लगता है कि दो भारतीय स्पिनर अश्विनी और जडेजा निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं रोज बॉल की पिच जो है ये यहाँ पे हैम्पशायर काउंटी है ये उनका ग्राउंड है यहाँ पे खेलते हैं और आपने पास्ट में देखें कि यहाँ पे हमेशा से ही इनके पास ओवरसीज प्लेयर काउंटी में वो स्पिनर रहे हैं क्योंकि पिच देखते हुए उनकी जो कंडीशंस है वहाँ पे शेन वॉन वो अपनी जो काउंटी क्रिकेट खेले हैं 6-7 साल वो हैम्पशायर के लिए खेले हैं शाहिद अफरीदी इमरान ताहिर वहाँ से खेले हैं तो हमेशा से इन्होंने प्रेफरेंस स्पिनर्स को दिया काउंटी क्रिकेट में तो देखते हुए मैं खुद 1 साल वहाँ पे खेला हूँ हैम्पशायर काउंटी के लिए तो वो हमेशा ही स्पिनर्स को सूट करती है कनवे अच्छी फॉर्म में है भारतीय टीम में युवा स्टार शुभमन गिल और पंत जैसे खिलाड़ी है आपको उम्मीद है भारत भी बल्लेबाजी में अच्छा करेगा
कॉनवे की अगर आप बात करें तो कॉनवे का जो डेब्यू है, इवन जो उनकी वनडे और T20 का भी जो उन्होंने अभी न्यूजीलैंड से डेब्यू किया, तो बड़ा अच्छा कैरियर उनका जो छोटा छोटा कैरियर है। तो एग्रेसिव माइंड सेट से जब आप जाते हैं किसी भी मैच में, तो ये एबिलिटी है इंडिया की टीम की कि आपने रिसेंट पास में देखा होगा कि ये कम बैक बड़ा अच्छा करते हैं। अगर वो पहली इनिंग में अगर अच्छा नहीं खेलते या बॉलिंग अच्छी नहीं करते तो कम बैक करने की एबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, इंग्लैंड के खिलाफ अभी पहला टेस्ट हारने के बावजूद सीरीज जीतना, तो बड़ा ही कमाल है ये इंडियन टीम का इस टाइम। तो बड़ा ही होपफुल है कि हम लोग अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और जो बेटर टीम होगी वही जीतेगी। पद्मश्री पूर्णवासी जानी को कोरोना, तांको स्वास्थ्य अवस्था खराब हेबारु तांको भुवनेश्वर एक घरे हॉस्पिटल को स्थानांतर करा दैछि। सबडे जत्रणा हेबारु अल्ट्रासाउंड सो उन्नतमानर चिकित्सा पई तांको भुवनेश्वर स्थानांतर करा दैछि। तांकर अम्लजान स्तर स्वाभाविक रहिछि एवं कोविड संक्रमण मध्य सामान्य रहिथिबा जणा पडिछि। समय सरिछि, बुलेटिन को एड सरुछु, विदा दियंतु, नमस्कार।